आपको बताते हैं कैसे भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक भारत की ओर से ठीक 5 साल पहले बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी और अब वाटर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाना बंद कर दिया गया है। शाहपुर कंडी बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा पर ये बांध बना हुआ है और बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जल भराव भी हो रहा है, शुरू हो गया। शाहपुर कंडी बांध रावी नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कई दशकों से चल रहा है लेकिन अब ये बांध बनकर तैयार है। इसके बनने से भारत का पानी भारत में ही रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की फसलों के काम आएगा। बुधवार से झील के कैचमेंट एरिया में पानी भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये भारत के काम आएगा, भारत के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। पहले चरण में 8 मीटर तक पानी भरा जाएगा। पूरे बांध में पानी भरने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा ही। और आइए अब आपको इस बांध के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान पर यह वाटर स्ट्राइक है और कैसे भारत को फायदा होगा। इसका नाम है शाहपुर कंडी बांध। भारत का पानी भारत के ही काम आएगा। रावी नदी से हर साल 12,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता था, अब तक ये होता था लेकिन अब ऐसा ना हो सकेगा। अब जम्मू कश्मीर को 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा और ये बांध की वजह से पंजाब को 200 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसी बांध की वजह से ये फायदा हो पाएगा। 200 मेगावाट बिजली उत्पादन भी हो सकेगा बांध के सहारे। और पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, 32,000 हेक्टेयर जमीन पर इसमें सिंचाई हो सकेगी। ये बड़ी डिटेल सामने आ रही है। करीब 3,000 करोड़ रुपए में ये बांध बनकर तैयार किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक तरह से नज़ीर है, एक उदाहरण है। भारत के लिहाज से ये फायदेमंद स्थिति है। और आपको बता दें कि शाहपुर कंडी बांध कब से बन रहा है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, आपको बताते हैं पूरी टाइमलाइन। शाहपुर कंडी बांध की जो टाइमलाइन है, जिसमें 1960 में हुई भारत पाकिस्तान में सिंधु जल संधि, रावी सतलज व्यास के पानी पर भारत का हक है, सिंधु झेलम चेनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है, ये संधि है। 1979 में पंजाब जम्मू कश्मीर ने बैराज बनाने के लिए समझौता किया। फिर 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना में घोषित की गई। 2014 में पंजाब जम्मू कश्मीर के बीच विवादों के कारण परियोजना रुकी रही। 2018 में केंद्र ने फिर मध्यस्थता की, इंटरवीन किया और दोनों राज्यों में समझौता कराया। फिर उसके बाद काम शुरू हुआ और काम शुरू होके अब खत्म हो चुका है। TV9 भारत पर संवाददाता अंकित भट्ट शाहपुर कंडी बांध पहुंच चुके हैं और वहां से अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान को जा रहा रावी नदी का पानी अब पूरी तरीके से बंद होने जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर बन रहा बैराज, जिसका नाम शाहपुर कंडी बैराज है, उसका निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है और अब पाकिस्तान को जा रहा भारत के हिस्से का पानी अब बंद कर दिया जाएगा। दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है और इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था, इंडस, चिनाब और झेलम। वहीं भारत के हिस्से में आया था सतलुज, रावी और ब्यास, जिसके बाद रावी नदी का पानी पूरी तरीके से ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की सीमा में जा रहा था। लेकिन अब शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरी तरीके से हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को जा रहा हमारे हिस्से का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे जम्मू के सांबा और कुठवा में तकरीबन 1150 क्यूसिक पानी जो है वो हर दिन सांबा और कुठवा में किसानों को मिलेगा, जिससे 32,000 हेक्टर ज़मीन पर इरिगेशन होगा। ना सिर्फ इतना बल्कि 37,000 बंजर पड़ी पंजाब में ज़मीन में भी इसका पानी जाएगा, जिससे बंजर पड़ी ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से हरियाली में कन्वर्ट होगी। उसके साथ साथ इस शाहपुर कंडी बैराज पर 2 पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं।
जिसका तकरीबन 2025 में निर्माण हो जाएगा और साथ में भारत के हिस्से का पानी अब भारत के ही लोगों को मिलने जा रहा है। जाहिर तौर पर शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरी तरीके से हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को जा रहा रावी नदी का पानी बंद हो जाएगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी की किल्लत साफ तौर पे देखने को मिलेगी।